दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमने अपना स्पॉन ये अजोला टैंक में हम लोग ने छोड़ा था वो एक 30-40 दिन के बाद फ्राई में ग्रो कर जाता है। यहाँ पे हम नेट डाल रहे हैं अपने अजोला टैंक में जहाँ हमने स्पॉन छोड़ा था, और ये जो अब फिशेस को निकाल रहे हैं और ये सब फिशेस एक 30-40 दिन में ये सब 1 इंच से 2 इंच की हो चुकी है, यानी कि ये फ्राई बन चुकी है। और इसमें आप देख सकते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका बहुत ही सरल तरीका है अपने स्पॉन को फ्राई में चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये जो अजोला का टैंक होता है ये 1.5 फुट ही डीप होता है और इसमें पानी सिर्फ 4 इंच से 10 इंच होता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो पत्ते वत्ते जो ऊपर गिरते हैं ये सड़ जाते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ये सब ज़रूरी होता है तालाब में या अपने वाटर बॉडी में, ताकि उससे प्लैंकटन पैदा हो सके। और ये स्पॉन आप जानते हैं कि सबसे मनपसंद उनका भोजन प्लैंकटन ही है, तो ये जो भी उसमें गिरता है फल हो जाए या पत्ते हो जाए वो सब सड़ते हैं और फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन उसमें उत्पन्न होता रहता है। इसके अलावा हम अपना फीड भी देते हैं इसको, होममेड फीड, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जैसे हो उसमें लड्डू छोटे डाल के 50 ग्राम का 100 ग्राम का 1 या 2 लड्डू 2 दिन में डाल देते हैं, और इससे इनकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। इसमें अगर पानी हमारा गंदा हो जाए तो इसमें हम लोग चूरा डाल देते हैं तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और नमक की इतनी आवश्यकता नहीं है, काफ़ी स्टर्डी फिश होती है ये तेलपिया, फिर भी हम लोग डाल सकते हैं, और कोई प्रोबायोटिक नहीं है इसलिए कोई गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई एरिएशन की ज़रूरत है। और ये एक 10 फुट बाई 20 फुट का जो अजोला का टैंक है उसमें हमने कम से कम 2000 तो डाली थी, हालांकि स्पॉन को हम लोग इतना अच्छा से काउंट नहीं कर सकते, पर इतनी सी जगह से अब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं जो हम लोग ने काउंट किया है तो ये 1750 के आसपास हमको ये बच्चे मिले हैं, ये फ्राई मिला है। इसको अब हम नेक्स्ट में इसको हमारे ऊपर है कि इसको हम बायोफ्लॉक टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं कि हम जो करेंगे ऐसे ही एक दूसरे टैंक में करेंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि इसकी डेप्थ जो 1.5 फुट है और पानी 4 से 10 इंच है उसमें पानी 2 फुट होगा, 2 फुट होगा, और उसमें भी नीचे 1 से 2 इंच की तय होगी जो कि मिट्टी की और सड़े हुए गोबर की उसमें तय होगी नीचे। ता वैसा ही इसको जैसे ये अजोला को हम लोग ने स्पॉन से फ्राई किया है वैसे ही वो टैंक 2 फुट पानी वाला सेम प्रकार से बना होगा, टारपोलिन डाल के 200 GSM का टारपोलिन डाल के, और उसमें हम लोग ने तय लगा दी है मिट्टी और गोबर की, और उसमें इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, वहाँ हम लोग इसको रखेंगे 2 से 3 महीना। तो 2 से 3 महीना रखने के बाद हमारा अंदाज़ा है कि ये 50 ग्राम से सब ऊपर निकल जाएंगी फिशेस, 70 ग्राम तक पहुंच जाएंगी, और उसके बाद फिर हम लोग अपने बायोफ्लॉक टैंक में इनको शिफ्ट करेंगे ताकि वो उनका 4 से 6 महीने तक उनकी हार्वेस्टिंग हो सके। और इसमें भी जो भी इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉन्ड में उसमें भी इसको विदाउट प्रोबायोटिक और विदाउट एरिएशन ही इसको रखेंगे, उतनी ही क्वांटिटी रखेंगे कि उसको एरिएशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको समझना है कि एरिएशन का कब शॉर्ट होती है ऑक्सीजन, तो उसका सीधा हिसाब है कि फिशेस ऊपर आने लगती हैं, अपना मुंह खोल के सांस लेती हैं, तो उससे समझ जाना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन वाटर बॉडी में कम हो चुका है, तो या तो एरिएशन की ज़रूरत है या फिर उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो तैयार हो रहा है ये 2.5 फुट इसका डेप्थ है, 2 फुट इसमें पानी आएगा, और अभी मिट्टी इसमें डालनी बाकी है, मिट्टी डाल के इसी में हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे।
ये वो शिफ्ट हो रही है। बाकी अगर आपको अमोनिया का लगता है तो फिर आप थोड़ा सा 1 लीटर 1.5 2 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, उससे इनका जो विष्ठा है वो उसको डिकम्पोज कर देगी और प्लैंकटन में बनाने में मदद हो जाएगी। इस तरह दोस्तों आप आसानी से फ्राई को फिंगरलिंक में आप बढ़ा सकते हैं और ये रोटेशन आप मतलब फास्ट कर सकते हैं, तो वाटर बॉडीज़ आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ में आप उसके हिसाब से अपना काउंट रखिए फिशेस का और उनको आप बढ़ा के जैसे जैसे बड़ी होंगी आप उनको बड़े वाटर बॉडीज़ में शिफ्ट करते जाइए। इस तरह हमारी जगह का, पानी का और बाकी रिसोर्सेस का एक ऑप्टिमम यूज़ होता है, वेस्टेज नहीं होती, हमारा कल्टीवेशन का खर्चा भी बचता है और टाइम भी बचता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कुछ मदद मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।